हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लेके आए हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि वो कौन सी रिएक्शन और कौन से मेथड होते हैं जिनसे कि बेंजीन को हम लोग बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है बाय डी कार्बोक्सीलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। बच्चों ध्यान रखिएगा, डी कार्बोक्सीलेशन जो टर्म है ये दो टर्म से मिलकर बनी है। इसमें डी है और दूसरा कार्बोक्सीलेशन है। तो डी माने होता है रिमूवल और आउट, और कार्बोक्सीलेशन बनाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, यानी कि इस रिएक्शन में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को दूर करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम इन लेबोरेटरी टू गिव बेंजीन। बच्चों NaOH और CaO के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम, और ये डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट भी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और ये रिएक्शन जो है हमारी लैब मेथड है बेंजीन को बनाने का। तो अगर कोई आपसे पूछता है राइट डाउन द लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, तो आपको डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट लिखना है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेंजीन पे CONA लगा है। बच्चों जब COH लगा होता है तो बोलते हैं क्या, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे Na लगा है तो ये बन गया है सॉल्ट, नाम होगा सोडियम बेंजोएट, और इसको हीट कर रहे हैं NaOH और CaO के मिक्सचर के साथ, जिसको बोलते हैं सोडा लाइम। अब होता क्या है कि बच्चों ये जो आप CONA ग्रुप देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख रहे हैं, ये टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा Na2CO3 फॉर्म में, और बचेगा क्या हमारा, केवल बेंजीन। तो यहाँ पे हमने सोडियम बेंजोएट के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाहर निकाला है, डी कार्बोक्सिलेशन किया है और बेंजीन बनाया है। क्या आपको ये क्लियर है। दूसरा लेते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट HCl अंडर प्रेशर ऑफ स्टीम गिव्स बेंजीन। बच्चों जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे हम लोग हाई प्रेशर पे स्टीम पास करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। इस रिएक्शन को डीसल्फोनेशन भी कहते हैं। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, यहाँ पे हम स्टीम पास कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का SO3H ग्रुप, ये बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, लीव आउट हो रहा है। और जानते हैं कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप बाहर निकलता है, चाहे कार्बोक्सिलिक निकले या सल्फोनिक एसिड ग्रुप निकले, तो वो कहलाता है डी आउट होना, बाहर निकलना, सल्फोनेशन, यानी सल्फोनिक ग्रुप बाहर निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को डी सल्फोनेशन भी कहते हैं। क्या ये आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट लेते हैं बच्चों फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल ऑन हीटिंग विद रेड हॉट जिंक पाउडर यील्ड्स बेंजीन। बच्चों अगर फिनॉल को रेड हॉट जिंक डस्ट पाउडर के साथ गर्म करते हैं, तो यहां से जो ये आप देख रहे हैं OH ग्रुप, ये बाहर निकल जाता है और यहां पर बन जाता है बेंजीन। इस OH ग्रुप की O को, ऑक्सीजन को जिंक ले जाता है जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये हमने देखा फ्रॉम फिनॉल। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों फ्रॉम एसिटिलीन। आप जानते हैं एसिटिलीन को C2H2 इसका फॉर्मूला होता है, और इसको CH ट्रिपल बॉन्ड CH से भी इसको दिखा सकते हैं। तो आइए जानते हैं एसिटिलीन गैस ऑन पासिंग इनटू रेड हॉट आयरन ट्यूब पॉलीमराइजेस टू प्रोड्यूस बेंजीन। बच्चों एसिटिलीन गैस को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर पास करते हैं, तो तीन मोल जो एसिटिलीन के होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, और उससे बन जाता है बेंजीन। तो क्लियर नहीं हुआ है, तो रिएक्शन से हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एसिटिलीन के 3 मोल लिए हुए हैं, और इन गैस को हम लोग पास कर रहे हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब में। तो होगा क्या कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह शिफ्ट होगा। ये वाला जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन पे आएगा, सेम टाइम यहाँ से एक पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे चला जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, 3 बॉन्ड से 2 बॉन्ड रह जाएंगे, तो यहाँ से ये पाई वाला जो बॉन्ड है ये अगले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह बच्चों ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने में ट्रिपल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड वो खर्च होगा। तो ये देखिए यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे देखिए CH सिंगल बॉन्ड CH, और इस वाले CH के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो देखिए ये हमारा बन गया है बेंजीन, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन
बेंजीन फ्रॉम एसिटिलीन. नेक्स्ट है बच्चों फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन बाय टू वेज. बच्चों क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के दो मेथड होते हैं, आइए जानते हैं. पहला है ऑन हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट निकिल एल्यूमिनियम एलॉय इन एल्केलाइन मीडियम. दूसरा मेथड है बच्चों बाय कन्वर्टिंग इट इनटू फर्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन इट्स हाइड्रोलिसिस यील्ड्स बेंजीन. दूसरे मेथड में हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करके बनाएंगे बेंजीन. अब इन दोनों रिएक्शन को आइए देखते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है और यहाँ पे निकिल एल्यूमिनियम एलॉय, निकिल एल्यूमिनियम एलॉय मिक्सचर को हमने एल्केलाइन मीडियम में इस मिक्सचर को हीट करते हैं. तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे बनने वाली नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन करती है. कैसे करेगी, आइए देखिए. यहाँ पे ये वाला कार्बन सीएल जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे रिएक्शन होगी, दो मोल आपको दिखाई दे रहे हैं नेसेंट हाइड्रोजन के. तो होगा क्या, कुछ ऐसे होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो इस बॉन्ड पर बेंजीन के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक जो एच है वो सीएल के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा बेंजीन बन गया और ये जो सीएल था ये एचसीएल बना के बाहर आ गया. तो ये दूसरी रिएक्शन लेते हैं जो हमने कहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे. ध्यान रखिएगा कि जब हेलोबेंजीन या क्लोरोएल्केन को मैग्नीशियम इथर के साथ हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में. तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया C6H5MgCl. अब इसका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. तो होगा क्या कि आपको ध्यान रखना है वाटर H2O को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं. तो ये मैंने H2O को ऐसे लिखा, सही है बच्चों. अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए हमेशा इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है. जो भी इसके साथ सामने जुड़ा होगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा. तो क्या वो क्लियर है. अब ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वहां पे मेटल पे हमेशा आएगा पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव. तो आप ही बताइए कि जब आप किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा. देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड जो है वो पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है. पोलर का मतलब होता चार्ज का प्रेजेंट होना. तो आप देखिए जब यहां पे रिएक्शन होगा तो यहां से H वाला पार्ट जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे जाएगा, बिल्कुल सही, बेंजीन के नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन पे, यानी कि ये वाला H यहां पे जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा. जब ये बॉन्ड टूटेगा तो MgCl में से Mg का पॉजिटिव चार्ज किसके साथ कंबाइन होगा, बिल्कुल सही, नेगेटिवली चार्ज OH पार्ट के साथ. तो देखिए क्या बना, MgOHCl, चार्ज खत्म हो गया, कंपाउंड बन गया है और यहाँ पे H जुड़ गया है, ये बन गया है हमारा बेंजीन. तो क्या आपको क्लियर हुआ क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाया जाता है बेंजीन. तो आज हमने पांच रिएक्शन देखी बच्चों जिन रिएक्शन से हमने बनाया बेंजीन. पहली थी बताइए कौन सी, बिल्कुल सही, पहली थी हमारी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. दूसरी थी हमारी बाय डी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्लियर हुआ, बिल्कुल सही. तीसरी थी फ्रॉम फिनोल और चौथी थी हमारी फ्रॉम एसिटिलीन और पांचवी थी हमारी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा. अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में वो अपने प्रॉब्लम को दे सकता है, हम लोग जरूर उसको सॉर्ट आउट करेंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.